मैं मंजीत कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 5 की विषय गणित लेकर आया हूँ, जिसमें अभ्यास पुनरावृत्ति है, और उस पुनरावृत्ति अभ्यास का आज भाग 2 आप लोग सीखेंगे हमसे। तो देखिए, भाग 2 में क्या है। पहले भाग में 1 से 4 तक के सवाल हो गए थे, लेकिन इस भाग में आप 5 से आगे पढ़ेंगे, यानी पाँचवा सवाल पढ़ेंगे। तो देखिए, पाँचवा सवाल क्या है। 7, 0, 1, 2, 3, 5, 9, 6 में प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या को अंकों तथा शब्दों में लिखिए। यानी इतने अंक जो यहाँ पर दिए गए हैं, 7, 0, 1, 2, 3, 5, 9 तथा 6, इतने अंकों का प्रयोग करके आपको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो आपको अंक जो यूज करने हैं, यानी जो अंक प्रयोग करने हैं, वो यही अंक हैं। इन्हीं अंकों का आपको प्रयोग करके बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए, जो अंक दिए गए हैं, इन्हीं अंकों को ही हमें प्रयोग में लाना है, और उन्हीं का प्रयोग करके हमें बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले समझ लीजिए कैसे लिखा जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या को, और कैसे छोटी से छोटी संख्या को लिखा जाएगा। और इस बात का भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि अंक कोई दूसरे ना होने पाए, यानी यही जो अंक सवाल में दिए गए हैं निर्धारित अंक, इन्हीं निर्धारित अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखनी होती है। तो देखिए, कौन कौन से अंक हैं, 7, 0, 1, 2, 3, 5, 9 तथा 6, इनका प्रयोग करके। तो देखिए, इतने अंक दिए गए हैं, का प्रयोग का केवल एक बार प्रयोग करके बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। अब कैसे हम लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं उनमें सबसे जो बड़ा अंक है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या को लिखने के लिए। यानी बड़ी संख्या को लिखने के लिए हमें इन अंकों का अवरोही क्रम लिखना होगा। जैसे आप लोग अवरोही क्रम या आरोही क्रम पढ़ते हैं, तो उसी तरह से इन अंकों का अगर प्रयोग करके बड़ी संख्या लिखनी है आपको, तो आप इनका अवरोही क्रम लिख सकते हैं। या एक और दूसरा तरीका है, उसको भी आप साथ में समझ लीजिए। अगर आपको बड़ी संख्या लिखनी है, तो आप बड़े अंक से शुरुआत करेंगे, सबसे बड़े अंक से। तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उसे हम पहले लिखेंगे, फिर उस बड़े वाले अंक से जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जो अंक दिए गए हैं उनका हम केवल अवरोही क्रम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, अंक है आपके 3, 3, 6 और 2, 8, 8 अंक दिए गए हैं, इन्हीं अंकों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक देखिए, इसमें 9 है, तो पहले हम यहाँ पर 9 को लिख देंगे, फिर 9 से छोटा कौन सा है, 7 है, तो 7 को देखिए यहाँ लिख दिया गया, फिर 7 से छोटा कौन सा है, 6 है, तो 6 को लिख दिया गया, फिर 6 से छोटा 5 भी दिया है, तो 5 को लिख दिया, फिर 5 से छोटा देखिए इसमें क्या दिया गया है, 3 दिया है, तो 5 के बाद हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे, फिर 3 से छोटा 2, तो 2 को भी हम यहाँ पर देखिए लिख दी जाएगा, फिर 2 के बाद 1 को लिखा गया, फिर 1 के बाद 0 को, यानी 0 सबसे छोटा अंक है, तो उसे हम सबसे अंत में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्या लिखेंगे। अब एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे अंक 6 दिए गए हैं, तो आपको 6 ही अंक वहाँ पर लिखने हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए, यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितने अंक हैं, 8 हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपको 8 अंक ही लिखने हैं, यानी अंक छोड़ने नहीं हैं आपको। अगर कोई डबल अंक दिया है तो उसको हम 2 बार जरूर लिखेंगे, इस बात का भी ध्यान साथ में रखेंगे। फिर इसी तरह से छोटी संख्या को लिखने के लिए हम उन्हीं अंकों का प्रयोग करके लिखेंगे। तो छोटी संख्या कैसे लिखी जाएगी, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए, छोटी संख्या को लिखने के लिए सबसे छोटे अंक को पहले रखेंगे, सबसे छोटे अंक को पहले रखेंगे, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी उसका आरोही क्रम यहाँ पर लिखा जाएगा। यानी इसके पहले जो बड़ी संख्या लिखी गई थी उसमें हम बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसका अवरोही क्रम लिखते हैं, लेकिन इसमें छोटी संख्या लिखनी है तो छोटे अंक से शुरुआत करते हैं, फिर उसका आरोही क्रम लिख देते हैं। जितने भी अंक दिए गए हैं उसका वहाँ पर आरोही क्रम लिख दिया जाता है।
तो देखिए सबसे छोटा अंक यहाँ पर कौन सा है, वैसे तो शून्य है, वैसे तो सबसे यहाँ पे छोटा शून्य है, लेकिन शून्य को हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि शून्य, अगर शून्य को हमने पहले लिख दिया तो उसका महत्व तो समाप्त हो जाएगा, यानी फिर उसका प्रयोग यहाँ पर समझ लीजिए कि हमने नहीं किया, तो उसका भी प्रयोग करना है, इसलिए शून्य से जो बड़ा अंक होगा, यहाँ पर देखिए एक दिया गया है शून्य से बड़ा एक, तो एक के बाद हम शून्य को लिखेंगे, अगर एक नहीं होता कोई और अंक होता, जैसे यहाँ पे एक नहीं होता, शून्य से बड़ा पाँच होता, तो हम पहले पाँच को लिखते फिर शून्य को लिखते, यानी जो शून्य से बड़ा अंक है उसको पहले लिखेंगे फिर शून्य का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा शून्य है, लेकिन शून्य को हम ना लिख करके, देखिए इसको अगर वैसे नियमता देखा जाए तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, शून्य एक दो तीन पाँच छः सात नौ, इस तरीके से, लेकिन शून्य को अगर हम पहले लगा देंगे तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए शून्य का हम स्थान बदल देंगे, यानी एक को पहले कर देंगे फिर शून्य को लिख देंगे, तो इस तरीके से दो तीन पाँच छः सात और नौ, इस तरीके से ये आपका लिखा जाएगा। अगर शून्य नहीं दिया गया है तो छोटे अंक से ही शुरुआत कर देंगे, अगर यहाँ पे शून्य नहीं होता तो हम एक को लिखते दो तीन, तो यहाँ पे शून्य नहीं होता, एक दो तीन पाँच छः सात और नौ हो जाता, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें भी देख लीजिए आठ अंक दिए हैं या नहीं, यहाँ पे आठ अंक हैं तो यहाँ पर भी आपको आठ अंक लिखने हैं, यानी कोई भी अंक आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से ये जो अंक निर्धारित अंक होते हैं उन अंकों का प्रयोग करके हम कैसे बड़ी संख्या और कैसे छोटी संख्या लिखते हैं। फिर देखिए उसी सवाल में पूछा गया है अंकों तथा शब्दों में लिखिए, तो ये आपने सीखा किस तरीके से हम संख्या को लिखते हैं, तो अंकों में हो गया आपका, ये अंकों में लिखा हुआ है, फिर आपको शब्दों में लिखना है तो उसी संख्या को शब्दों में लिखना है, तो शब्दों में कैसे होगा, बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली आपकी बड़ी संख्या है, तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो देखिए पढ़ेंगे इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख और करोड़, कितने करोड़ हैं, नौ करोड़ छिहत्तर लाख तिरपन हजार दो सौ दस, तो यहां पर आप लिख देंगे नौ करोड़ छिहत्तर लाख तिरपन हजार दो सौ दस, नौ करोड़ छिहत्तर लाख तिरपन हजार दो सौ दस, ये देखिए यहाँ पे नौ करोड़ छिहत्तर लाख तिरपन हजार दो सौ दस, ये हो गया आपका शब्दों में बड़ी संख्या को लिखना। अब देखिए छोटी संख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, उसको भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़, कितने करोड़ हो गए, एक करोड़ और दो लाख पैंतीस हजार छः सौ उन्यासी, इसको भी लिख लीजिए शब्दों में, एक करोड़, एक करोड़ दो लाख, दो लाख फिर पैंतीस हजार, पैंतीस हजार छः सौ उन्यासी, छः सौ उन्यासी, इस तरीके से आपका यह सवाल नंबर पाँच कंप्लीट हो गया। तो आगे देखिए अगला सवाल है, सवाल नंबर छः, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, यानी आपको इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। कक्षा चार में सभी ने सीखा होगा कैसे हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम में आपको
छोटी संख्या से शुरुआत करनी होती है और बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना होता है, और जबकि अवरोही में बड़ी संख्या से शुरुआत करनी होती है, छोटी संख्या की तरफ बढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। देखिए कौन कौन सी संख्याएं, चार संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, और उसी में तुलना करके हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ढूंढ करके लिखना होगा। तो देखिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 2,64,598, फिर 32,138, और फिर लिखा 6,58,420, और फिर लिखा है 9,65,480, ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले देखिए तुलना करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी होगी यानी जिसमें अंक ज़्यादा होंगे, अगर समान अंक हैं तब तो हम सीधे बाईं ओर आ जाएंगे, बाईं ओर सबसे किनारे जो अंक होगा उसकी तुलना सारे संख्याओं के बाई अंक से कर देंगे। लेकिन अगर अंक कम ज़्यादा संख्या में दिए गए हैं तो जिस संख्या में अंक सबसे ज़्यादा हैं वो संख्या बड़ी होगी तो वो सबसे बाद में जाएगी, और जिसमें सबसे छोटे यानी सबसे कम अंक हैं तो वह संख्या सबसे छोटी होगी तो वह सबसे पहले लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 6 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो गई। तो इसको हम लिख देंगे सबसे पहले 32,138, 32,138। अब सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो गई, अब इससे बड़ी कौन सी, अब देखिए इसमें 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, और इसमें भी 6 अंक हैं, यानी तीनों संख्याओं में 6 अंक हैं। तो अभी हमने बताया था अगर समान अंक संख्या में हैं तो संख्या के सब इधर देखिए बाईं ओर के अंक की तुलना कर लीजिए, जो अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 2 है। तो अब 2, 6 और 9 इन तीनों अंकों में सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, तो 2 वाली संख्या यानी ये हो गई। तो आपका ये कितना हो गया, 2,64,598, ये 6 लाख है और ये 9 लाख है। तो यहाँ पर 2 वाली संख्या सबसे छोटी होगी, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 2,64,598। अब यह सबसे छोटी, चूँकि 2 सबसे छोटा है, फिर 2 से बड़ा 6 है, तो 6 वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे 6,58,420, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। फिर 9 अंक सबसे बड़ा है तो 9 को हम सबसे बाद में लिख देंगे, तो ये हो गया 9,65,480। इस तरीके से हम इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। बात समझ में आई, एक बार फिर से समझ लीजिए, आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ने वाला क्रम होता है। इसमें सबसे पहले हम दी गई संख्याओं में छोटी संख्या को ढूंढकर लिखते हैं, फिर उस छोटी संख्या के बाद उस छोटी संख्या से बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी एक क्रम बढ़ता रहता है, यानी छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम उन संख्याओं को लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। आपको अवरोही क्रम लिखना है, यानी इसमें आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को ढूंढ करके लिखना होता है, सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये घटता हुआ क्रम होता है, यानी 100 से 1 की तरफ उल्टा गिनती को लिखना अवरोही क्रम होता है, और 1 से 100 की तरफ लिखना आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, उसी तरीके से अभी हमने बताया किस तरीके से संख्याओं की तुलना करते हैं, तो उसी तरह से हम इसकी भी तुलना कर लेंगे। देखिए यहाँ इस संख्या में 5 अंक हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 6 अंक हैं, और शेष तीन संख्याओं में 5-5 अंक दिए गए हैं। तो अभी हमने बताया था जिसमें अंक ज़्यादा होंगे वो संख्या बड़ी होगी, तो इसमें हमें बड़ी संख्या को ही लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये वाली संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी, तो ये हो गए 5,85,312, इस संख्या को हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर देखिए अब इसमें समान अंक हैं, 5-5 अंक हैं, तो अभी हमने बताया था बाईं ओर आ जाएंगे, फिर बाईं वाले अंक की तुलना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बाया अंक 6 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 8 है, तो 2 यानी 6, 2 और 8,
इन तीनों अंकों में आठ बड़ा है, क्योंकि हमें बड़े अंक की तलाश करनी है, बड़ी संख्या को ढूंढना है, तो ये वाला अंक बड़ा हो गया, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। तो यहाँ पर क्या है, आठ है, तो लिख देंगे इसको ये 88,332, ये हो गई उससे छोटी संख्या। अब देखिए इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, इससे छोटी छः अंक वाली हो जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे 68,842। फिर सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 27,342। इस तरीके से हम संख्याओं को लिखेंगे। अब एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दोनों सवालों में 6 नंबर में और 7 नंबर में भी, यहाँ जैसे यहाँ पे चार संख्याएं दी गई हैं, तो आपको पूरी की पूरी संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि हमने सारी संख्याएं लिख दी हैं या नहीं लिखी हैं। इसमें चार संख्याएं थी तो इसमें आपने चार संख्याएं लिख दी, इस सवाल में भी चार संख्याएं थी, चारों संख्याएं आपको लिखनी है। तो बच्चों, आप सभी लोग इसको अपनी CW की कॉपी पे, कॉपी अगर नहीं बनाई है तो कॉपी बना लीजिए, और उस कॉपी पर यह सारा वर्क आप लोग नोट करते रहिए। और अगर कोई आपको समस्या हो रही है तो आप हमें ज़रूर बताइए, स्कूल के नंबर पे आप बात कर सकते हैं, या मेरा नंबर जो दिया गया है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।